तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम आ चुके हैं घर से बाहर निकलते नारलई गांव की तरफ। नारलई गांव की तरफ हमारा ये पहला विजिट होगा। और मेरे को आज सुबह सुबह मेरे एक फ्रेंड ने बोला, तू नारलई जाके वीडियो क्यों नहीं बनाता, क्योंकि नारलई हमारे गोडवार क्षेत्र का एक बेस्ट गाँव है और पुरानी समृद्धि भी इस नारलई गाँव में हमें मिल जाती है। नारलई गाँव, वो पहाड़ी देख लो आप, वो नारलई गाँव ही है समझिए। और उस पहाड़ी पे एक वाइट हाथी है, मतलब उस हाथी की स्थापना तो 500 साल से पहले ही हो चुकी थी और वो आज भी एज इट इज़ वाइट का वाइट बना हुआ है। तो मैं स्पेशली उसी को विजिट करने के लिए जा रहा हूँ। वो पहाड़ी देख लो पहले आप। तो हमें चढ़ना है उस पहाड़ी पर, लगभग 700 से ज़्यादा सीढ़ियाँ है। हम उस सीढ़ियों को कवर करके फिर उस पहाड़ी पर हमें चढ़ना है और वहाँ से हमें नारलई गाँव का एक बेस्ट व्यू नज़र आने वाला है। और नारलई गांव, हम उस पहाड़ी पे चढ़ने के बाद नारलई गांव का आपको व्यू दिखाएंगे। नारलई गांव हमारे लिए इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस गांव में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। हाँ, गोडवार क्षेत्र में फिल्मों की शूटिंग होती है और बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग होती है। बड़े बड़े स्टार आ चुके हैं यहाँ पे, अनिल कपूर साहब, अक्षय कुमार साहब, सोनाक्षी मैम और भी बहुत सारे स्टार आ चुके हैं। और नाइट स्टे भी किया है उन्होंने, क्योंकि नारलई गांव में हमें मिल जाती है पुरानी होटल हेरिटेज होटल। नारलई गांव में 17वीं शताब्दी से एक महल बना हुआ है जिसे अभी हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर लिया गया है। उसी होटल में हमारे बहुत सारे बॉलीवुड स्टार नाइट स्टे करके गए हैं, इसीलिए ये गांव हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बस मैं एक और बात बता दूँ, मतलब पुराने समय में ऐसे बोला जाता है कि नारलई गांव में 100 से भी ज़्यादा मंदिर थे, पर अभी के टाइम में तो ऐसे 22 मंदिर ही देखने को मिलते हैं जहाँ पे हम विजिट कर सकते हैं। ट्राई करेंगे सारे मंदिरों को विजिट करें। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है शिव मंदिर, क्योंकि शिव मंदिर उसी पहाड़ी पर बना हुआ है जहाँ पे हम आज जाने वाले हैं। और वो जो पहाड़ी है वहाँ पे एक छोटी सी गुफा भी मिलेगी हमें, जो कि 100 मीटर से भी ज़्यादा लंबी है ऐसे सुनने में आया है। तो उस गुफा के अंदर भी जाएंगे, तो जल्दी से चलते हैं गाइस। यार मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे को अभी विजिट करना है नारलई गांव। मेरे फ्रेंड ने अभी बताया यार मेरे को, और मैंने उसको विकिपीडिया पे सर्च भी किया, तो मेरे को बहुत ही, और अभी पता चला यार मेरे को भी कि बॉलीवुड शूटिंग भी हुई है गोडवार क्षेत्र में। और ये नारलई खिवाड़ा से लगभग 40 से 50 किलोमीटर होगा, देसूरी से ज़्यादा 10 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। आपको एड्रेस ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो इसलिए मैं आपको सब बता भी रहा हूँ कि कौन कितना किलोमीटर दूर है। और आपने हमारे बाकी सारे व्लॉग्स को, बाकी सारे वीडियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, इसके लिए आपका थैंक यू। और इस वीडियो को भी आप बहुत ज़्यादा प्यार देना। तो जल्दी से चलते हैं नारलई गांव और वहाँ पे विजिट करते हैं यार, क्योंकि 700 सीढ़ियाँ चढ़नी भी पड़ेगी। और मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे 700 सीढ़ियाँ मेरे को चढ़नी पड़ेगी कभी। मैंने लास्ट से ज़्यादा पूनागढ़ गया था तब 554 सीढ़ियाँ चढ़ी तो थी, पर अभी देखते हैं 700 सीढ़ियाँ कैसे चढ़नी है मेरे को। और वहाँ से जल्दी से जाके मैं आपको हाथी दिखाने वाला हूँ, तो हाथी देखने के लिए आगे वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ से शुरू होता है हमारे 700 सीढ़ियों का सफ़र। यहीं से मैं फर्स्ट सीढ़ी पे तो चढ़ गया वो, यहीं से 700 सीढ़ियाँ अभी हमें ऊपर चढ़ना है। उसके बाद हमें वाइट एलिफेंट दिखने वाला है। इस गाँव को भी वाइट एलिफेंट के नाम से ही जाना जाता है पूरे गाँव को। और एक दो वाइट एलिफेंट तो वैसे अंदर चौराहे में भी थे, वो सारा व्यू हम आपको दिखा नहीं पाए यार। छोटी छोटी गलियाँ भी थी, सबसे रास्ता पूछना पड़ा, रास्ता पूछने में ही हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। पर फाइनली हम यहाँ पे तो पहुँच ही चुके हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कचरा डालना मना है, एज़ यूजुअल। आप कहीं पे भी जा रहे हो तो कचरा वैसे भी नहीं डालना चाहिए आपको। और स्टूडियो को थोड़ा बहुत काम भी चल रहा है, होगा कुछ, चलता रहने दो। तो जल्दी से चलते हैं, 700 सीढ़ियाँ कवर करते हैं। आगे भी व्लॉग तो कंटिन्यू रहने ही वाला है, थोड़ा बहुत आपको व्यू इन्जॉय भी कराएंगे, हंसी मजाक भी करेंगे। तो जल्दी से आइए मेरे पीछे। और सफ़र की शुरुआत में ही वहाँ पर लिखा हुआ है टार्जन, किसी छपरी ने लिख भी दिया है वहाँ पर टार्जन, देख लो आपको नज़र आ रहा है तो। और सीढ़ियाँ काफ़ी शानदार है यार, मतलब ये जैसा मैं बोल रहा हूँ बहुत पुराने टाइम से ये पहाड़ी पे हाथी वगैरह सब बना हुआ है। 17वीं शताब्दी से इसका इतिहास भी मिलता है, चामान युग से। मैंने विकिपीडिया किया था तो उससे पता चला कि 17वीं शताब्दी में जो चामान युग के दो शिलालेख थे उसमें इस गांव का ऐसा वर्णन वगैरह सब मिलता है। तो आप भी आ रहे हो तो विकिपीडिया करके आना यार, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग गाँव है गोडवार क्षेत्र का। तो जल्दी से चलते हैं,
हमारी सांसों सीढ़ियाँ कवर करते हैं, सांसों में से 10-15 तो मैंने कवर कर भी ली है। तो आइए आप भी जल्दी से। और काम भी जल रहा है यार, कितने सारे सीमेंट है यार, इतना भी कच्चा मटेरियल होते हैं यहाँ पे पड़े ही हुए हैं। सीढ़ियों का काम चल रहा है आगे तक। चलिए, और वो एक मंदिर भी दिख रहा होगा आपको। हाँ, जैसे कि मैंने बताया था ना, वो 100 मंदिर है यहाँ पे, पुराने टाइम में थे मतलब, और अभी के टाइम में 22 मंदिर मिलते हैं। 22 में से 10-15 तो हमने नीचे विजिट भी कर लिए थे, तो छोटे छोटे मंदिर भी थे बट प्यारे मंदिर थे। और एक दो मंदिर अब यहाँ पे मिलने वाले हैं। एक तो शिव जी का मंदिर मिलने वाला है, और एक गुफा भी दिखने वाली है जो कि 100 मीटर लंबी है। गुफा के अंदर भी जाएंगे, तो चलते हैं। 700 सीढ़ियाँ कवर करनी पड़ेगी, लॉन्ग रूट होने वाला है, 2 से 2.5 घंटे यहीं पर लग जाएंगे। और भी ज़्यादा टाइम आशापुरा माता जी के मंदिर भी जाएंगे जो कि नाडोल में है। सो गाइस, हमने आधा रास्ता तो कवर कर ही लिया है, और यहाँ पे कवर करते मेरे को ऐसे दिख रहा है यार, मंदिर ही मंदिर दिख रहे हैं। एक सेम एज इट इज़ एक पहाड़ी वहाँ पर भी है जहाँ पे खड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई है एकदम, अगर आपको दिख रही होगी तो। और मंदिर गिनता हूँ मैं यहाँ से कितने नज़र आ रहे मेरे को, 1st, 2nd, 3rd एंड देन 4th एंड 5th तो ऊपर है ही है। और छोटे छोटे मंदिर तो यहाँ पे बहुत ही है यार, गलियों में थे ही। तो मंदिर देख लो यार, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मंदिर है, मतलब एक बड़ा हिंदू स्थल लग रहा है। हाँ, हो गई, क्योंकि हमारी पुरानी ऐतिहासिक विरासत भी यहीं पर है। ये सामरिक दृष्टि से मतलब ऐसे बहुत ही कवर्ड एरिया था पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, वो चामान युग में 2 शिलालेख मिलते हैं यहाँ पे, जिसमें नाले का वर्णन वगैरह सब होता है कि नाले में मतलब पहले थे, मतलब औद्योगिक वगैरह सब कुछ सिस्टम यहाँ पे था। तो काफ़ी अच्छा गांव है, आप भी आइए जल्दी से विजिट कीजिए। मंदिर देख रहा हूँ कितने ज़्यादा मंदिर है, मंदिर मेरे को टोटल गिनने भी आज मतलब गली गली घूमूंगा पर मंदिर जरूर गिनूंगा कि कितने मंदिर है कितने नहीं है। यहाँ से मेरे को 10-15 मंदिर वैसे भी यहाँ पे दिख ही रहे हैं, और फाइनल शिव जी के मंदिर के तरफ तो जाना ही पड़ेगा मेरे को ऊपर। तो देखते हैं यार अभी कितनी सीढ़ियाँ और चढ़नी बाकी है, मतलब मैंने सीढ़ियाँ गिनी नहीं है अभी तक यार, मतलब 50 से 100 सीढ़ियाँ मैंने अभी कवर कर ही ली होगी। और ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, होगा हमारे कुछ भगवान जी होंगे। काफ़ी प्यारा रास्ता है यहाँ पे ना, और गाँव वालों ने कुछ सुविधा वगैरह भी बना रखी है, गिरना मत अंदर आओ ऊपर, छोड़ा सा संग्रह सा रास्ता है एकदम प्यारा सा। और जैसे जैसे मैं ऊपर आ रहा हूँ मेरे को ब्यूटीफुल सा व्यू नजर आ रहा है, जल्दी से आओ आप। और वो देखो एक पाउंड बना हुआ है बड़ा सा, शायद आपको यहाँ से दिख रहा होगा, तो ऊपर मेरे को बहुत ही क्लियर ही दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है यहाँ से। और ये गांव पूरी तरह से ऐसे पहाड़ियों से कवर्ड है, क्योंकि देसूरी है 10 किलोमीटर यहाँ से, और देसूरी से आगे तो आपको पता ही है अरावली की पहाड़ियाँ घाटियाँ स्टार्ट हो जाती है, देसूरी नाल वगैरह जहाँ पे हम इससे पहले गए भी थे, और मैंने व्लॉग में मेंशन भी किया था ये देसूरी नाल है, क्योंकि वहाँ पे वो हो गया था ना छोटा सा एक्सीडेंट, तो किसी के बंदर के बच्चे को किसी बाइक वाले या कार वाले ने ओवर स्पीड करके उसको ठोकर मार दी थी, तो वो सारा मैंने मेंशन कर रखा है। वैसे सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, या आई बटन पे ऊपर चेक कर लो, अगर मिल जाए तो सारे वीडियो वॉच कर लेना यार। तो सांस फूल रही है यार, रास्ते को कवर कर रहे थे, एक दरा दिख रहा है गुफा टाइप कुछ, और माता जी बैठे हैं, माता जी को दूर से ही प्रणाम। मतलब 100 मंदिर में से पता नहीं अभी तक कितने मंदिर मेरे को दिख चुके हैं, 22 मंदिर का ऐसा लिखा तो था विकिपीडिया में कि 22 मंदिर हमें यहाँ पे देखने को अभी भी मिलते हैं। तो छोटे छोटे मंदिर ही है, देखने में तो वैसे प्यारे हैं सब, और ये बना कितना यार, बहुत ही पुराना टाइप लग रहा है मेरे को। कोई ना, चलते। हमारा वाइट एलिफेंट तो अभी यहाँ से दूर है, पर वाइट एलिफेंट के नाम से जो गांव जाना जाता है वो यहाँ से क्लियर ही दिख रहा है। और
हल्की हल्की सबको धुंध भी दिख रही होगी क्योंकि सर्दी का मौसम है, ऑब्वियसली धुंध तो दिखेगी। पर थोड़ा सा ईस्टर भाई और देखिए यार कितना हरा भरा क्षेत्र है, मतलब यहाँ से अगर मैं देखूँ ना तो मेरे को सारे पेड़ पेड़ ही नज़र आ रहे हैं। अगर आप भी ध्यान से देखो तो आपको भी दिखेगा ज़रूर, पर आपको अगर पूरा इन्जॉय करना है तो यहाँ पर आके विजिट करना ही पड़ेगा आपको, एक नया एक्सपीरियंस होगा आपके लिए भी। तो चलते आगे वाइट एलिफेंट को देखने के लिए, देखते अभी कितना वाइट है वो। और थोड़ी थोड़ी दूर पे यार मेरे को कोई को दिख रहा है, प्यारे गणेश जी दिख रहे हैं मेरे को। और गणेश जी जैसे कि मेरे फ्रेंड जैसे ही है, मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था आपको, आई माता वाला व्लॉग, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन पे देख लेना, गणेश जी को देख लो और गणेश जी का नाम लेके आगे चलते हैं। यहाँ पे संभाल के चलना पड़ेगा यार, मेरा सिर डिगरा जाता। सो अभी हमने 500 सीढ़ियाँ कवर कर ली है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 500 सीढ़ियाँ मैंने कवर कर ली है। और यहाँ से मेरे को वो जहाँ पे आपको झंडा दिख रहा है ना वहीं पे हमारा वाइट एलिफेंट है, तो यहाँ से तो दिखने में तो ज़्यादा दूर नहीं लग रहा है, समथिंग 200 सीढ़ियाँ तो है ही, पर कोई ना जल्दी से कवर कर लेंगे इसको। थोड़ा सा मैं मेरी सांस फूल रही है, थोड़ा सा बैठना पड़ रहा है मेरे को, और थोड़ी देर यहाँ पर बैठने के बाद आगे वाइट एलिफेंट की तरफ चले गए। दोनों सीढ़ियाँ अभी भी बाकी है यार, तो थक ही गया हूँ मैं बैठ जाता हूँ। वीडियो में आगे बने रहिएगा, 200 सीढ़ियाँ ही तो कवर करनी है, और इसके बाद हम ज़्यादा टाइम आशापुरम माता जी का भी एक छोटा सा शॉट जरूर लेंगे यार, ट्राई करेंगे, मतलब मैं पक्का नहीं कह रहा आपको, पर देखते हैं। बस अभी 5 मिनट और रेस्ट कर लूँ और फिर जल्दी से चलते अपने वाइट एलिफेंट की तरफ। तो हम पहुंच चुके हैं एक बहुत ही प्यारी सी लोकेशन पर, यहाँ पर पहुँचते ही एक और मंदिर दिख रहा है मेरे को, मंदिर देख लो आप। और मंदिर के जस्ट नीचे एक छोटा सा तालाब बना हुआ है, मोटर लगी हुई है ताकि आके पौधों को पानी मिल सके। और थोड़ा और गए तो हमें दिखेगा एक छोटी सी मतलब दरा टाइप पहाड़ी कुछ बना हुआ है, उसके नीचे एक कमरा बना हुआ है अगर आपको दिखे तो, मतलब आर्किटेक्ट है यहाँ के सारे लोग हैं। चलिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है अभी भी हाथी का ऐसे मार्क बना हुआ है और सीढ़ियाँ बनी हुई है, मतलब हाथी अभी भी यहाँ से 100 सीढ़ियाँ और भी ऊपर है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, 100 सीढ़ियों को कवर कर लेते हैं, वीडियो कोई और ज़्यादा लंबा ना खिंच जाए यार। और यहाँ से सीढ़ियाँ थोड़ी सी खड़ी है, मतलब चढ़ाई है थोड़ी ऊपर, आप भी आओ जल्दी से हाथी की तरफ चलते हैं। वाइट एलिफेंट इस गांव को वाइट एलिफेंट के नाम से जाना जाता है, और हम वाइट एलिफेंट को देखने के लिए आए। 700 सीढ़ियाँ हमें चढ़नी है, जिसमें से हमने 600 के करीब तो कवर कर ली है, और ये संकरा सा एक दर्रा है, तो चलिए इसको भी कवर कर ही लेते हैं। मतलब आओ ना आप, मेरी आवाज़ भी ऐसे गूंज रही है, आपको आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही नहीं दे रही मेरे को नहीं पता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना गाइस, आराम से चलते हैं। तो इसको हमने कवर कर लिया है और थोड़ी सी सांस भी आ रही है, अंदर घुटन टाइप होने लगी थी। एक बार फिर से देख लो व्यू, ये पाउंड बना हुआ है और इसके अंदर मतलब ऐसे हरे भरे पेड़ भी लगे हुए हैं छोटे छोटे। तो आओ यार थोड़ा सा आगे आओ, व्यू एंजॉय करने के लिए तो आए, व्यू नहीं देखे कल क्या देखे यार, मतलब हाफ गाँव आपको यहाँ पे दिख रहा है और आधा गाँव इस साइड में भी है, तो क्या आपको दिखने नहीं वाला, मेरे को चक्कर आ जाता अभी यार, क्योंकि ऐसे खाई टाइप भी बनी हुई है। आराम से आना, ज़्यादा कुछ आवारागर्दी मत करना, नहीं तो नीचे बीच गिर सकते हो यार। तो आपने व्यू देख लिया, एक बार फिर से देख लो, हरी भरी पहाड़ियाँ है चारों तरफ, क्योंकि देसूरी है नज़दीक ही यार, आओ
पूरा गोडवार विजिट करो, देसूरी विजिट करो, सुमेर माता सुमेर महादेव जी का मंदिर भी विजिट करो, अरावली की पहाड़ियाँ विजिट करो, जहाँ जहाँ पे हम गए और हमने सारे ब्लॉग बनाए हुआ वो सारी की सारी जगह आप विजिट करो यार। मतलब गोडवार की ए टू जेड सारी जगह हम आपको दिखाने वाले, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा मगर सारी जगह हम कवर ज़रूर करेंगे। तो जल्दी से पहले तो ये जो हमारी चिड़िया बच्ची है उसे कवर कर लेते हैं। महेंद्र भैया आगे निकल चुके हैं, मैं भी निकलता हूँ। और मतलब ऐसे रूट में ऐसे मज़ा आ रहा है, ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आ रहे हैं, मतलब कहीं कहीं हमने पत्थर भी क्रॉस किए हैं, मतलब पहाड़ टाइप भी बना हुआ है, ये सारा एकदम मतलब ऐसे आर्किटेक्ट के हिसाब से बनाया हुआ है। जहाँ पे सीढ़ियों की ज़रूरत थी वहाँ पे सीढ़ियाँ है, जहाँ पे सीढ़ियों की ज़रूरत नहीं थी, जहाँ पे कारीगर को लग रहा था कि मतलब ऐसे जो भी श्रद्धालु है वो ऐसे ऊपर चढ़ सकते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने अनावश्यक ऐसे कटाव वटाव भी नहीं किया है इतने पत्थरों का। कोई ना, सबको बिग थैंक यू, मतलब आर्किटेक्ट को तो थोड़ा बहुत बचा ही लिया, हमारे समृद्धि को बचा लिया। तो वाइट एलिफेंट मेरे को यहाँ से दिख रहा है, वाइट एलिफेंट के ऊपर एक भाई साहब भी बैठे हुए। सॉरी मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता है, मैं फर्स्ट टाइम ही आया हूँ यहाँ पे, शायद कोई हो गए महान यहाँ पे। तो चलिए जल्दी से, ओ माई गॉड वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट ने कुछ छपरियों ने उनके नाम भी लिख रखे हुए हैं, मतलब एक पुरानी समृद्धि है उसके ऊपर ऐसा क्यों बिगाड़ना किसी को। ये नाम देख लो यार, कितने छपरी लोग हैं, नाम भी लिख दिया। तो वाइट एलिफेंट को एक बार पूरी तरह से देख लो आप, मेरे को ये वाइट से ज़्यादा ओवर वाइट है, क्योंकि 500 साल से भी पहले ये लगा हुआ था तो अभी भी ये बरकरार है, एज इट इज जैसे था वैसे ही है। तो देख लो वाइट एलिफेंट, और नीचे नाले गाँव का पूरा आपको व्यू दिख रहा होगा, मतलब काफ़ी बड़ा गाँव है यहाँ पे, 100 गाँव, यहाँ पे 100 मंदिर इमेजिन करना तो हाँ बिल्कुल पॉसिबल है यार, मैं 100 से ज़्यादा भी मंदिर इमेजिन कर सकता हूँ यहाँ पे, आप देख लो। और छोटी बड़ी यहाँ पे होटलें भी आपको नज़र आ ही रही होगी, मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ वैसे, और बैठते बैठते ही बातें करते हैं। मतलब जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, यहाँ पे एक हेरिटेज होटल है जो कि 17वीं शताब्दी के समथिंग, मतलब यहाँ पे जो रावला बना हुआ था, जो महल था वो अभी भी एज इट इज़ यहीं पे बना हुआ है, आपको वहाँ पे दिख रहा होगा, वही है हेरिटेज होटल, वही रावला जहाँ पे मतलब बहुत सारे बॉलीवुड स्टार ने नाइट स्टे भी किया हुआ है, नाम भी बने आपको मेंशन कर ही रखे हुए हैं, अक्षय कुमार वगैरह वगैरह सारे, सोनाक्षी मैम यहाँ पे आकर नाइट स्टे कर चुके हैं, और उनकी शूटिंग वगैरह भी हो रखी है, क्योंकि बहुत ही प्यारा गांव है यार गोडवार क्षेत्र का। भैया आप आराम से आ, मेरे को ऐसे डर लग रहा है, थोड़ी सी खाई वगैरह यार, कोई हादसा वगैरह ना हो जाए, मतलब पापा को तो बोल के आए थे शाम को जल्दी से घर पर आ जाएंगे, और कुछ हो गया तो अपनी वाट लग जाएगी। तो देख लो आप व्यू वगैरह, वो एक मंदिर भी दिख रहा है मेरे को, बड़ा ही प्यारा मंदिर दिख रहा है, पर अभी ऐसी हालत भी नहीं है मेरी कि वहाँ तक मैं पहुँच सकूँ, क्योंकि वहाँ पे एकदम खड़ी सीढ़ियाँ यार। तो गाइस देख लो यार, हमने आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, आपको मतलब ऐसे हम क्या क्या बताऊँ आपको यार, गोडवार के इतने छोटे छोटे प्यारे से एरियाज में आपको दिखाने के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और 700 सीढ़ियाँ चढ़ ली है आपके लिए, मतलब आपको ये वाइट हाथी वाइट एलिफेंट दिखाने के लिए, और वाइट एलिफेंट के नाम से जो गांव जाना जाता है वो दिखाने के लिए। आगे भी हम आपको गोडवार क्षेत्र के और आगे भी जितने भी होंगे पॉसिबल जहाँ तक हम पहुँच सके वो सारे के सारे एरियाज आपको दिखाने वाले, क्योंकि ये इंडिया है यार, हर 50 किलोमीटर पर आपको एक अनोखी चीज़ दिखने को ज़रूर मिलेगी, और वही हमारा कंटेंट भी होने वाला है, मतलब आपको घर बैठे हम इतना सब कुछ दिखा रहे हैं, तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब और थोड़ा सा सपोर्ट तो कर ही सकते हो यार, ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सपोर्ट करो भाई व्लॉग्स को। ओके वाइट हाथी को देख लेना आप आराम से, वाइट हाथी के ऊपर जो भाई साहब बैठे हैं उनको भी देख लो, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, मतलब गोडवार से आप गोडवार से हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो, और आओ नारली गांव को विजिट भी करो, क्योंकि नारली गांव में आपको मिलेगा हेरिटेज होटल जो 17वीं शताब्दी से एक महल था पर अभी एक होटल में कन्वर्ट हो चुका है, और अगर शूटिंग वगैरह करनी है तो यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि बॉलीवुड की शूटिंग अगर यहाँ पे हो सकती है तो हमारी लोकल शूटिंग यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती है। आओ और इस गाँव को सपोर्ट करो, नारली गाँव के हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को हमारे, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, कमेंट भी करना अगर वीडियो में कुछ कमी लग रही है आपको, ताकि हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में उस कमी को दूर करने की पूरी ट्राई करें। ओके गाइस सब्सक्राइब अवर चैनल एंड सपोर्ट बाय व्लॉग्स।